गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आई होप यू गाइस ऑल गुड। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज दिन की शुरुआत हो रही है मसूरी की नीचे से, बिल्कुल डाउन से। और मसूरी की डाउन से क्यों हो रही शुरुआत, क्योंकि अभी का जो प्लान क्या है कि मसूरी झील जाने का है। तो मसूरी झील जाएंगे मस्त करके, वहाँ का भी गया नहीं हूँ तो आज जरा मसूरी झील भी जाएंगे। मसूरी झील में मस्त करके बिल्कुल घूम फिर के आएंगे। आप लोगों जो हम मेरे को मिलेगा देखने को, हम मैं आपको भी दिखाऊंगा। और हवा बड़ी प्यारी चली, वेदर बिल्कुल मस्त हो रहा, कहीं पे धूप कहीं पे छाया। और सामने बने हुए बिल्कुल मस्त मस्त करके टेंट बने हुए सामने, और सामने हमारे ITBP जहाँ ITBP की ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो सबसे पहले तो मैं एक बार आपको व्यू चेक कराता हूँ, व्यू कैसा है। ये गाइस सामने का कुछ व्यू ये देख लो, टेंट वगैरह कहाँ लगा रखे हैं। और सामने भाई साहब 9 मंजिला कहाँ गया, ये रहा गाइस 9 मंजिला। 9 मंजिला इसीलिए इसका नाम, क्योंकि वो मंदिर जो है वो 9 मंजिला है। और सामने है ITBP का प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ मतलब लोग सीखते हैं। काफी डेवलप हो गया नीचे भी, पहले नहीं था जितना। और ये रही अपनी बीस्ट कहूँ हाल कहूँ, अभी लिखवाऊंगा जिस दिन, तब उसी दिन कंफर्म होगा नाम। और वेदर देखा आप, और सामने सूरज छुपा हुआ बादलों के बीच में। तो अभी का सीन आपने देख ही लिया कि सीन ये है कि मसूरी झील जाते हैं, फिर घूमते हैं फिरते हैं। और चैनल पे आए हो तो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ना सब्सक्राइब का बटन, जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको आगे मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे। पता ना गाइस उंगली का, अरे फोकस क्यों नहीं मार रहा, ये है उंगली, मतलब अब तो ठीक है, अब काफी हद तक ठीक हो गई है। फोकस मार ले भाई, हाँ मार लाने इसने फोकस, तो काफी हद तक अच्छा हो गया अब तो। और आजकल हर जगह फूल ही फूल दिखेंगे आपको, क्योंकि फूलों का टाइम है। ये किनगोड़ा कहते से, तीन मुंह वाले कांटे होते हैं इसके, ये देखे। पर इस पे जो ये लगते हैं ना बाद में, इसके जो दाने होते हैं बिल्कुल ब्लू ब्लू कलर के, बड़े टेस्टी होते हैं खाने के, बहुत खाए बचपन में। वापिस आ गए गाइस मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे, और ज्यादा लंबी राइडिंग नहीं होगी, शॉर्ट राइडिंग होगी। मैं थोड़ी वीडियो शूट करने के लिए थोड़ी आगे चले गया था, क्योंकि क्राउड में भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है ना। ये जा रहा गाइस सुपर मसूरी के लिए, अरे जा रहा हमारा नीचे देहरादून वाले देहरादून के लिए। हवा भी बड़ी प्यारी चल रही है, सामने देखो दीप्तन फ्लैग कितने प्यारे लग रहे हैं। सामने लगा रही गाइस डॉल की शॉप है। इस वाले रूट पे मतलब आपको काफी कुछ मिलेगा देखने को, सारी छोटी छोटी डॉल कितनी प्यारी प्यारी अच्छी है। और पिछली वीडियो में प्यार देने के लिए, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद गाइस। सारा मसूरी का जितना भी पानी है सारा यहीं से जाता है, झील से ही। आगे दिखाऊंगा मैं, आगे पे लगा हुआ है झील का, जहाँ से लोग पानी भरते हैं। तो सामने देख रहे होंगे ना आप, इस पे पानी आता है पाइप पे, और इससे टैंकरों में भर भर के पानी ऊपर जाता है, पूरा मसूरी का पानी सप्लाई। अपना जो हो गया वो हो गया पोपट, क्योंकि पोप उधर देख रहेंगे ना आप, ये देख रहे होंगे गाइस आप, ये पूरा पूरा पानी पुनी सब सूखा पड़ा हुआ है, और अपना हो चुका है पोपट। तो इसलिए देखते हैं कहीं और का प्लान करते हैं, फिर लोकली थोड़ी ट्रैवल कर लेते हैं, थोड़ी ऐसे ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं जब निकल चुके हैं घर से, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते अब ना। अच्छे से सोच के आया था कि भाई मसूरी झील घूमेंगे, क्योंकि मसूरी झील में कभी नहीं गया। तो चलो कुछ नहीं सही, कुछ ही सही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइस जैसे आपने देख ही लिया पोपट हो ही चुका है, तो क्यों ना कहीं और जगह चलते हैं। और जगह कहाँ देखते हैं, भट्टा फॉल चलते हैं। और अगर आप देहरादून से आते हैं तो यहाँ से
लेफ्ट टर्न लें और ऊपर से मसूरी से आते हो तो राइट टर्न लें, ये जाएगा हमारा डायरेक्ट सीधा भट्टा फॉल के लिए। जो रूट है थोड़ी जाते समय ढलान है, आते समय क्या है चढ़ाई है, मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। रोपवे भी है, ऊपर से भी जा सकते हैं आप, रोपवे भी चलता है भट्टा फॉल में। और बाईसाइकिल, बाइक और आपका टू व्हीलर फोर व्हीलर को खैर चलता ही है। यहाँ सामने चेक करें गाइस, वो चल रहा रोपवे, मेरे को एक पल के लिए वो दिख रहा है वो बीच में येलो येलो, मेरे को ऐसा लग रहा कि जैसे उसमें टोपी फंसी हुई हो किसी की। एक बारी मैं यहाँ से आपको एक सिनेमैटिक दे दूँ, ये चल रही आपके रोपवे सीधा ऊपर जा। आपको 360 व्यू पसंद आए हो, पसंद आए तो इसी बात पे एक लाइक और शेयर जरूर बनता है। गाइस टू व्हीलर की लगती है यहाँ पे पार्किंग का 30 और फोर व्हीलर का लगता है कितना 100 रुपीज। तो अभी मैं देखूंगा पर्ची में कितना लिखा होगा उन्होंने, मतलब हमसे तो खैर 30 लिए क्योंकि टू व्हीलर का तो 30 था, फोर व्हीलर का देखेंगे, फोर व्हीलर का आई 100 है। ओ भाई साहब क्या डलान है, डलान है गाइस, यहाँ भी चार्जेबल है बहुत सारी चीज़ें अंदर जाने के लिए, तो सब बताएंगे आपको। और ये है गाइस पर्ची टू व्हीलर की, एक बार ही गाड़ी निकालने के बाद दोबारा नहीं लिया जाएगा, हम सिर्फ जगह का किराया लेते हैं, हेलमेट और गाड़ी वगैरह में ना रखे हेलमेट वगैरह। गाइस ये चेक करें आप भट्टा फॉल, भट्टा फॉल के नज़ारे कुछ और है। ओ भाई साहब क्या ठंडा ठंडा और का गाइस इधर, ओए होए बड़ा प्यारा सा लग रहा। और ये रहा सीटिंग एरिया, बड़ा प्यारा सा बना रखा है, ऊपर भी है और ऊपर भी है, झरना दिख रहा होगा आपको ऊपर से, बड़े प्यारे से। अभी गाइस मैगी ऑर्डर करी, मैगी खाते पानी के बीच में आनंद लेते मस्त करके बिल्कुल, पर ठंडा सा पानी। गलती करी नहाने के लिए कपड़े कुपड़े नहीं लाए, कोई ऐसा प्लान था ही नहीं यहाँ आने का। पहाड़ों में ये चाहिए और सामने ये हो तो और जन्नत ही क्या है। मैगी वगैरह खा लिए, माजा पी लिया, अब चलते हैं दूसरे वाले में। जूते मैंने अभी पहने नहीं है। यहाँ पे गढ़वाली कॉस्ट्यूम है, आप फोटो खिंचवा के कुछ चार्जेबल है तो वो करवा सकते हैं। Let's go.
ये आ गए गाइस ऊपर वाले भट्ट फॉल में जो सबसे ऊपर है। गाइस सामने चेक करें आप, झूला इतना डेंजर झूला, अपनी बस की बात नहीं। उस तरफ तो मैं गया नहीं, वहां पे बोटिंग होती गाइस, ये रहा यहाँ पे होती बोटिंग, ये आती है रोपो लाइन वहां पे, और रेस्टोरेंट है और साइकिलिंग होती है जो आपने की वीडियो में देख लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। पूरा भट्टा फॉल मस्त करके घूम लिए, मस्त करके खा लिया पी लिया, अब चलते है वापिस ही। क्राउड आज अच्छा है। तो गाइस निकल चुके हैं वापसी के लिए, अच्छा था बट भट्टा फॉल आने का कोई प्लान नहीं था, बस आ गए भट्टा फॉल। और क्या कहते हैं उसको, प्लान होता तो कपड़े वगैरह लेके आते, टॉवल वगैरह चेंज करने के लिए। रोप वे चली ऊपर नीचे, सामने से आ गई गाड़ी, चेक करे आप रोप वे ट्रॉली, जाते समय हल्की सी, ज्यादा नहीं हल्की सी चढ़ाई है। तो गाइस प्यास लगी है पानी की, पानी लेते पहले। तो गाइस इसी के साथ अब निकलते हैं ड्यूटी, टाइम हो गया है 1:15, तो अब निकलते हैं ड्यूटी। यहाँ से मारता हूँ मैं शॉर्टकट, यहाँ से ऊपर से भट्टा फॉल जाता हूँ सीधा डायरेक्ट हमारा बालोगंज। बालोगंज से मतलब काफी रास्ता बच जाता है। इस गाड़ी का टायर सब निकाले हैं, तो नहीं क्या हो गया, बम्पर वगैरह ठोक गया शायद किसी गाड़ी के साथ ना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां। तो गाइस एक बार फिर पहुंच गए हम जंगलों के बीच में, वो देखो जंगलों के बीच में क्या मस्त से घर बने हैं, वो देखना सामने, वाव। जंगल जाने के रास्ते बना रखे भाई साहब पक्के, ये देखो पक्के रास्ते वो भी। तो गाइस वीडियो आपने यहां तक देख लिया, बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और उत्तराखंड में आजकल घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि क्या है कि हर जगह गर्मियां तो हो ही चुकी है स्टार्ट, पर अपने उत्तराखंड में सबसे बेस्ट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। देखो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो में कुछ भी बुरा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, है ना। अगर कुछ बुरा लगा हो तो मैं ताकि आगे जाके सुधार कर सकूं उस चीज में, फिर आपको देखने में भी मजा आएगी, मेरे को बनाने में भी मजा आ जाएगी। तो चलो फिर इस ब्लॉग को करते हैं यही पे, लाइक आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।